आप लोग जिस जगह में आए, इस जगह का नाम है आमेर। ये राजस्थान का पुराना राजधानी आमेर ओल्ड जयपुर के नाम से जाना गया है। ये करीब 1000 साल पुराना सिटी है। यहाँ के जो लास्ट राजा हुआ करते थे सवाई जयसिंह जी हुआ करते थे। सवाई जयसिंह जी ने इस आमेर को 17 सेंचुरी में छोड़ने के बाद में जयपुर सिटी की स्थापना की थी। जयपुर सिटी राजधानी यही हुआ करती थी। सवाई जयसिंह जी ने इस आमेर को क्यों छोड़ा, कारण यह रहा कि वो चाहते थे कि मेरे घर के पास में जंतर मंतर हो। इंडिया के अंदर 5 जगह में जंतर मंतर बनाए गए। 5 जगह जंतर मंतर सवाई जयसिंह जी द्वारा बनाए गए हैं, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर। ये 5 जंतर मंतर सवाई जयसिंह जी द्वारा बनाए गए हैं। जंतर मंतर जो काम करते हैं ओनली फॉर सनलाइट के अंदर, बिना सनलाइट के कोई भी काम नहीं करते। अराउंडिंग हिल स्टेशन होने के कारण से डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर नहीं गिरती थी, इसलिए जंतर मंतर यहाँ ना बना के जयपुर सिटी में बनाए गए। जयपुर सिटी में जंतर मंतर बनाने के बाद में सवाई जयसिंह जी ने 1727 नवंबर के दिन सवाई जयसिंह जी द्वारा जयपुर को बनाया, तो उनके नाम से सिटी का नाम पड़ा जयपुर सिटी। जयपुर सिटी जो बनाया गया है नक्शे के आधार पर और पूरे वास्तु शास्त्र के हिसाब से। आज अपन घर वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाते, लेकिन सवाई जयसिंह जी ने 300 साल पहले पूरी सिटी को वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया। सामने ऊपर में जो किला आपको दिखाई दे रहा है, इस किले का नाम है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट जो है करीब 1000 साल पुराना किला है। इस किले को कंप्लीट करने में समय लगा 700 ईयर्स। 27 जनरेशन किले को बनाते बनाते एक्सपायर हो गए। लास्ट में इस राजा ने कंप्लीट किया 700 इयर्स लगा इस किले को बनाने, और 27 जनरेशन बनाते बनाते एक्सपायर हो गए। लास्ट में इस राजा ने कंप्लीट किया। उस राजा का नाम था सवाई जयसिंह जी, तो जयसिंह जी के नाम से फोर्ट का नाम पड़ा जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट जो यूज में लिया जाता था एमरजेंसी के टाइम पे, टोटल वेपन्स रखा करते थे, खजाना और राजा की आर्मी यहीं पर रखा करते थे। इसी किले से कनेक्ट है बाउंड्री वॉल, अराउंडिंग 12 किलोमीटर के अंदर बनाई गई गार्डेड वॉल, सेफ्टी वॉल, मिनी चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। इस आमेर टाउन के अंदर 365 मंदिर है, 365 टेम्पल्स, बट 3 टेम्पल्स आर वेरी पॉपुलर। फर्स्ट टेम्पल अम्बिकेश्वर जो कि 5000 साल पुराना मंदिर है। सेकंड मंदिर लिया वाला, ये देखिए कलश लगा हुआ है। हर जगह आपको देखने मिलेगा राधा कृष्णा, लेकिन मीरा कृष्णा का टेम्पल कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही मंदिर है मीरा और कृष्णा का टेम्पल, ये हाँ। तीसरा टेम्पल पैलेस के इनसाइड में देखने के लिए मिलेगा। आपने पिक्चर देखी जोधा को? नहीं, तो हम लोग आमेर फोर्ट में हैं, ये जयगढ़ फोर्ट में, आमेर फोर्ट में। अच्छा, ये जयगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट का हिस्सा है। हाँ, वही एक हिस्सा है, एक ही राजा ने बनाया था। ये देखिए हम लोग आमेर फोर्ट एंटर हो रहे हैं। पेंटिंग देखना मैडम, पेंटिंग। कोरोना टाइम में ये जो पैलेस आप देख रहे हैं 450 साल पुराना पैलेस है, इसको बोलते हैं ये वाला पैलेस। इस पैलेस को कंप्लीट करने में समय लगा 137 थ्री जनरेशन वाला पैलेस को कंप्लीट किया गया। इनको सिंह मिला, वो मिला मुगल बादशाह द्वारा। सिंह का जो टाइटल मिला राजा मान सिंह को अकबर द्वारा, मिर्जा का शाहजहां, और सवाई का जो टाइटल मिला वो मिला औरंगजेब द्वारा। सवाई का मतलब होता है इट मीन्स वन क्वार्टर एक्स्ट्रा। अगर रुपए में 25-56 मिला देते तो 125 हो जाते। हिंदुस्तान के हिंदू राजाओं के अंदर सबसे जो माइंड वाले राजा हुआ करते थे राजा सवाई जयसिंह। बट राजा सवाई जयसिंह जी कुछ भी काम करते थे, कुछ भी पंडित से कुछ भी काम किया करते थे। उन्हीं पंडित लोगों की जनरेशन आज भी आमेर टाउन में रहती है, और बाई जनरेशन आज भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में फार्म ब्रीडिंग का काम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी होती है। और दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर आज भी उनको समय समय मेडल, गोल्ड मेडल मिलता है, इसलिए आज भी इस पैलेस का ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नाम है जलेब, जो कि राजाओं का सोच रहा परेड ग्राउंड। लास्ट में जो गेट आपको दिखाई दे रहा है गेट का नाम है सूरज गेट, गेट का नाम है चांद चांदपोल गेट के। यहाँ से हम का एंट्रेंस हुआ करता था, वहाँ से रॉयल फैमिली का एंट्रेंस हुआ करता था। रॉयल फैमिली जब वहाँ से एंट्रेंस करते थे नगाड़े राजा के वेलकम के लिए बजाए जाते थे पुराने समय के अंदर, लेकिन अभी टूरिस्ट के वेलकम के लिए बजाए जाते हैं। 2 घंटे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे बजाए जाते हैं टूरिस्ट के वेलकम बजाए जाते हैं। मिस कर दिया हमने। अंदर में आपको देखने मिलेगा दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल। अंदर में जाने का एक आदमी का 100 रुपये टिकट होता है। जयपुर सिटी का जो मेन पैलेस है वो है आमेर पैलेस। इसका जितना खूबसूरत पार्ट आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, ना जयगढ़, ना नाहरगढ़ और ना ही सिटी पैलेस। ये जयपुर का सबसे मेन पार्ट है। तो अपन टिकट आमेर फोर्ट। हेलो ना जाहिर हमको दे रहे हैं, मंदिर ले जा रहे हैं शायद। दो यहाँ का मंदिर चढ़ाई है काफी। हम
त्रंबकेश्वर, सेकंड टेंपल मीरा कृष्णा, तीसरा टेंपल ये सिला देवी गोडेस काली का ये दीदी। अच्छा इधर दीदी हाँ। यहाँ पे एक बार फोटोग्राफी आपका अलाउ नहीं होता है। अच्छा अच्छा यहाँ पे मंदिर के अंदर फोटो आपको नजर आ रहा है। इस गेट का नाम है सिंह पोल गेट। गेट पे जो पेंटिंग आपको दिखाई दे रही है पेंटिंग है 250 साल पुरानी पेंटिंग। आज भी एजिटी ऐसा कैसा है, क्यों है? जो कलर आप देख रहे कलर सारे नेचुरल वेजिटेबल कलर होते हैं। अच्छा। साग सब्जी को सड़ा के लाके बनाया जाता है। कलर इन कलर का खास बात होता है 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल। एजिटी वैसा का वैसा रहता है, कभी कम आउट नहीं होता। इन्हीं कलरों से आज भी इस आमिर गांव के अंदर 75% यहाँ पर आर्टिस्ट लोग कहते हैं बाई जनरेशन आज भी यहाँ पर आर्ट तैयार करते हैं इन्हीं कलर। जयपुर तो आप लोग काफ़ी बार घूम चुके होंगे, अगर आपने नाम सुना है जयपुर के रजाए का, जैसे वो रजाए आपको लोकल मार्केट जोरी बाजार बापू बाजार हर जगह देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन दीदी वहाँ पर जो रजाए आपको देखने के लिए मिलती है फोम और साइज, ना उसको आप वॉश कर सकते हो ना यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने की स्क्रीन प्रॉब्लम, वॉश करिए तो कलर निकल जाता है। लेकिन यहाँ के रजाए के अंदर फोम में फाइबर नहीं डालते, उसमें डालते मेरिनो वूल, पश्मीना वूल। उस रजाए को यू कैन माइनस डिग्री, यू कैन हॉट सीजन और जेल्स का जो रुमाल होता है उसके अंदर इजी कैरी करके कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, इतना लाइट वेट होता है। दूसरी बनती है बंदेश की साड़ी। बंदेश की साड़ी तीन जगह बनाई जाती है, जोधपुर, जामनगर और जयपुर। जामनगर जोधपुर में बनाई जाती है राई के दाने पे, लेकिन यहाँ पे राई के दाने पे नहीं बनाई जाती, यहाँ पे टाइन डाइट बनाई जाती है, बांध बांध के बनाई जाती है और यूज़ करते हैं नेचुरल कलर। दूसरी बनती है बंदेश की साड़ी महारानी साड़ी। यहाँ के आर्ट को वॉश करते करते थक जाएंगे, लेकिन कलर कभी फेड नहीं होता है। प्लस यहाँ पे टैक्स और वेट नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के आर्टिस्ट लोगों को सब्सिडी दी जाती है, टैक्स और वेट नहीं होता है। घर घर में टूरिस्ट नहीं जा सकता है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के आर्टिस्ट लोगों को एक जगह दे रखी, टोटल आर्ट आपको छत के नीचे देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सामने महारानी बैठा करते थे, वहाँ राजा बैठा करते थे, और कुछ भी प्रोग्राम होते थे वहाँ यहाँ से वॉच किया करते थे। मंत्री लोग बैठते थे साइडों में, ये ग्राउंड बना हुए नीचे, आम जनता पब्लिक बैठ के दरबार का वास्तव सुनते थे। ये देखो लाल पत्ते में, व्हाइट में, हाथी के सूने, कमल के फूल बने हुए, ऊपर हिंदू आर्ट बना हुआ है, उसी के नीचे फूल पत्ती का डिजाइन देखेंगे ये मुस्लिम आर्ट बना हुआ है। तो मानसिंह राजा मुगलों से मिलने के बाद में हिंदू मुस्लिम कम्बाइन के का बना हुआ है। मुझे कहलाता है दीवानी आम दरबार करने के लिए, ये दोनों शहरों में जालियाँ बनी देख रहे हैं। दीवानी आम में दरबार लगता था, दोनों शहरों में दासियाँ बैठ के दरबार देखते थे, महारानी के ऊपर बना हुआ है, वो जाली प्रकार से बना हुआ है। तो आप ऊपर से नीचे वालों को देख सकते हैं, नीचे से ऊपर वालों को पहचान नहीं सकते थे। उस जमाने में पर्दा सिस्टम होता था, आवाज कैसे पहुंचती थी? ये तो सुनाई नहीं दे रहा, इन्हीं को सुनाई नहीं दे रहा अभी तो। फूलपत्ते का जो डिजाइन बना हुआ है ये मुस्लिम आर्ट बना हुआ है। ये कलर पेंटिंग 350 बरस पहले का आदमी कलर ऐसा लगता है आदि का बना हुआ हो, इसमें कोई दोबारा कलर नहीं किया है। ये नीचे जो कलर किया हुआ देख रहे हैं, ये कलर भी दोबारा किया है। तो एक फोटो आपका निकाल देता हूँ, वेजिटेबल कलर्स है। फोटो आपका निकाल देता हूँ, बहुत अच्छा है। ऊपर क्या लगते हैं दीवारों पे पेंटिंग अंदर कुछ पब्लिक ने खराब कर दिए थे, कमरे को बंद कर दिया। रानी खाना खा के भी पैदल नहीं चलती थी, इतना सजी रहती थी, इसलिए तो बता रहे हैं ना। यही तो धरोहर को खराब करने का। ये देखिए आगे सेंटर में ये रानी का रिक्शा गाड़ी है, रिक्शे में रानी को बैठा के लाने ले जाने के लिए चार दासियाँ होते थे। ये पूरे मेला में रिक्शे में घूमते थे महारानी, रिक्शा गाने रखा हुआ है, ट्यूबवेल पहुँचने का बनाए हुए, जमाने में रबर नहीं था, चार पैर जो लगाते नहीं जमा लगा तो ट्यूबवेल बने हुए। Mm-hmm.
ये तीन दीवारों में मेरी बहन पर्दा रखते थे, ये रानियाँ बैठते थे या राजा लोग बैठते थे, वो जाली के पीछे वाटर टैंक बना हुआ होता है, वहाँ से गुलाब जल पानी आता था, साइडों में जालियों में हवा आते थे, हवा पानी टकरा के ठंड हो जाता था, पानी वाल के चलता था, लहरें घुमाती, ये देखो काला पत्ते का डिजाइन बना हुआ है, ये पानी आपके बगीचे में जमा होता है, बगीचा है जनाना बगीचा, गर्मी के समय में रानियों के बीच में बैठा करते थे, चार के फाउंटेन चलते थे, ये जनाना गार्डन था। ये देखो हाथी का सुन कर डिजाइन, ये डिजाइन है हाथी का सुन, ये डिजाइन देखेंगे बिच्छू का डिजाइन, पहाड़ों में बिच्छू निकलता है, हिलते थे चार पौनों के छत पे जो ग्लास लगा हुआ, क्या करना टॉप करना टॉप पीछे लाइट आए, शूटिंग करके छोड़ गए जो आप देख रहे हैं। अच्छा। ये कमरे दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये राजा के सर्वेंट वाले रहने का कमरे हैं। अच्छा। सर्दी में नीचे गर्मी के लिए ऊपर, तो ये जो कढ़ाई रखी है ये उसी शूटिंग नहीं नहीं शूटिंग वाले छोड़ गए। हाँ वही तो कह रहे हैं उन्होंने बनवाया, ये कबाड़ी चला के इसका वेल्डिंग करा के कलर करके शूटिंग करके छोड़ गया, को रखा हुआ नहीं है, शूटिंग वाले छोड़ गए, इसी में तो दिखाया था वो खाना पका रहे हैं एसी में, तो वो जगह भी यहीं थी जो शूटिंग हुई है, यहीं पे शूटिंग हुई है। तब तक ऊपर बैठते थे छोटी रानी शहरों में बैठते थे, इसको कहा जाता है बारह दहरी, बारह का मतलब होता है कि बारी रानी आके यहाँ मीटिंग करते थे। अच्छा। ये देखो चार छतरी बनी हुई ऊपर, राजा जब लड़ाई में जाते थे रानियों की सुरक्षा के लिए जमाने में हिजड़ों को पैरा लगता था, बड़े हिजड़े ऊपर से निगरानी रखते थे, ये जनाना महल है इसमें जैन सलाव नहीं था। ये देखो शादी का कमरे ले, स्टीप सीढ़ियां हैं भाई, आराम से ये 17th century का बना हुआ है।